हम जलेबी नहीं खा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी और हमारी दोस्ती हो गई। हमारा साथ सिर्फ कुछ समय के लिए, उसके बाद हम वापस अपनी दोस्त जलेबी के पास जाएंगे, समझे आप? तो जलेबी की जगह इस गाजर ने ले लिया। खुशी, किसी ने कुछ कहा तुमसे? खुशी, मैं जानता हूं कि तुम आज अपने घर नहीं गई थी, मेरी तुम्हारी अम्मा से बात हुई थी। खुशी, तुम मुझे बता क्यों नहीं देती कि तुम क्या कर रही हो? I don't know, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है इस बारे में। हाँ, आपको तो अच्छी फीलिंग आएगी ही नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि जलेबी बनाने के अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते। खुशी, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम भी जानती हो कि जहां भी तुम जाती हो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। अच्छा ठीक है, हम आपसे वादा करते हैं कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी, और हम ये साबित करके दिखाएंगे कि हम भी आपसे कम नहीं है। और अब आप हमसे बात मत कीजिए, क्योंकि वैसे भी हम इतने परेशान हैं, और ऊपर से हम आपसे कुछ कह भी नहीं सकते। ओके ओके, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, जिसे देख कर तुम पक्का खुश हो जाओगी। दिखाऊं? तुम हमेशा एक मिडिल क्लास टाइप लड़की ही रहोगी। हमें नहीं चाहिए, आप इसे ले जाइए। क्या हुआ? बस अर्णव जी, हम चने नहीं खा सकते। पर क्यों खुशी? अर्णव जी, हमने कहा ना, हम नहीं खा सकते, आप इसे यहाँ से ले जाइए। ठीक है, खुशी। हाँ? किसी के फोन का वेट कर रही हो? नहीं तो, वो बस फोन की आदत सी पड़ गई है इसलिए। ओके गाइस, बाय, विल सी यू। बाय।
प्रतियोगिता वालों का फोन है। अगर उन्होंने कहा कि हम नहीं चुनेंगे तो? अरे पुनवा में हेलो है ना ही बोलोगी तो कैसे पता चली कि बाय बाय हुआ है कि नहीं? हाँ नहीं नहीं हमें इतनी हिम्मत नहीं है। खुशी जी घबराइए मत, फोन उठाइए प्लीज आप। और कहा कमान उठाइए। अरे इससे पहले कि फोन कट जाए उठाइए उठाइए। अरे या मैं अभी बात कराता हूँ। हेलो जी जी ठीक है धन्यवाद। खुशी बिटिया कहा कहा उन्होंने? अरे बताओ ना जल्दी सस्पेंस काहे बढ़ाई रही हो? उन्होंने कहा कि हम अगले पड़ाव तक पहुंच गए। खुशी जी उनका मतलब है कि आप सिलेक्ट हो गए हो, आप अगले राउंड में जा रहे हो। यस हाँ उन्होंने हमें चुन लिया। हाँ उन्होंने हमें चुन लिया। उन्होंने हमें चुन लिया। चुन लिया चुन लिया कहाँ? वो हमें SMS आया कि हमारा फोन नंबर चुन लिया गया है और हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। हाँ वही really? खुशी मुझे हर रोज ऐसे 1000 मैसेजेस आते हैं। It's not true. It's all a scam. अच्छा हमें तो लगा कि हम करोड़पति बन जाएंगे। जानत रहे आप जरूर सिलेक्ट होंगी। अरे मेकअप करने के लिए कौन सिखाया है? सिलेक्ट ना हुई तो और का हुई। खुशी जी अब level 2 की बारी है। और याद रखना level 2 हमेशा बहुत डिफिकल्ट होता है। खुशी बिटिया घबराने की कोनो जरूरत नहीं, पहले पड़ाव की तरह दूसरा पड़ाव भी आप अच्छे से पार कर लेंगी। कहे कि आप कितनी मेहनत किए रही और मेहनत का फल हमेशा मीठा होवत है। उन्होंने कहा कि हमें 1 घंटे में वहां पहुंचना है। ओ, तो खुशी जी अब यहाँ पे क्या कर रही है? जाइए जाइए।